मूवी की शुरुआत में लियांग नम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है, क्योंकि चाहे वो कितनी भी जगह अप्लाई कर दे उसकी जॉब नहीं लगती। वो कॉलेज टाइम में बहुत ही ब्रिलियंट हुआ करता था और एक क्लाइंबिंग क्लब का मेंबर भी था जहां उसने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में मेडल जीते थे। लेकिन आजकल वो ज्यादा समय पार्क के पुल अप बार्स में ही बिताता है और उसे शहर का वियर्डो माना जाता है। उसके नेफ्यू को उसके साथ पब्लिक में दिखना बिल्कुल पसंद नहीं। यंग नाम अभी भी अपने सारे क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स को अपने बेडरूम में रखता है जो उसकी बहन जुंग युंग को जगह की वेस्टेज लगती है। अब उसकी माँ के 70th बर्थडे के लिए उसकी फैमिली एक बड़ी सेलिब्रेशन करना चाहती है, तो यंग नाम उन्हें क्लाउड गार्डन जो उनके घर से दूर है उसी में सेलिब्रेट करने के लिए कन्विंस करता है, क्योंकि उसकी पुरानी क्रश और फेलो क्लाइंबिंग क्लब की मेंबर यू जो भी वहां काम करती है और उसने कॉलेज के बाद से उसको कभी नहीं देखा था। पार्टी के दौरान ज्यादातर फैमिली के मेंबर उसकी जिंदगी के बारे में ऑकवर्ड सवाल करते हैं और जब वो फाइनली यूजू को ढूंढ लेता है तो चीजें और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती हैं। वो रूम छोड़ के कहीं अकेले में बात करने जाते हैं और यूजू एक्सप्रेस करती है कि वो ये देख के सरप्राइज है कि वो उससे बात करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता था कि बहुत साल पहले जब से उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया था तब से वो उसे अवॉइड कर रहा है। चाहे ये बात सच भी हो पर फिर भी यंग नाम इस बात को डिनाई कर देता है और वो ये झूठ भी बोलता है कि उसे नहीं पता था कि वो यहाँ काम करती है और बोलता है कि वो एक इम्पोर्टेंट कंपनी में मैनेजर है। इसे सुन के यूजू सरप्राइज हो जाती है। यंग नाम का परिवार काफी देर तक पार्टी करता है इसलिए मैनेजर गियो एम्प्लॉयज को टेंशन फ्री होकर घर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि जो कि वहाँ की वॉइस मैनेजर है और वो साथ में मिलकर जगह को बंद कर लेंगे। वो ऑफिस में अच्छा और केयरिंग बॉस दिखाई देता है पर रियलिटी में उसके पास ये पोजीशन बस मालिक का बेटा होने के कारण है और बाकी एम्प्लॉयज के आसपास ना होने पर वो यूजू पे लगातार लाइन मारता है। यूजू को नहीं पता कि वो मैनेजर गियो को कैसे समझाए कि वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसी दौरान पास की स्ट्रीट में एक अजीब सा आदमी मास्क पहना हुआ एक बड़ा सा ट्रक को पार करता है और बाद में उसकी चाबी तोड़ देता है ताकि कोई उसको हिला ना सके। फिर वो ट्रक के अंदर का वेल खोलने लगता है ताकि उसके अंदर का कंटेंट रिलीज कर सके, जो एक अननोन टॉक्सिक गैस है जो बहुत ही जल्दी पूरे शहर में फैलने लग जाती है और जो उसे ब्रीथ करता है वो मर जाता है। लोग सेफ्टी के लिए भागते हैं तो काफी क्योस हो जाता है जिस कारण एक्सीडेंट्स होते हैं और पैनिक भी बहुत बढ़ता है। अब क्लाउड गार्डन में मौजूद लोग इससे बेखबर है। यूजू फोन पे एक दोस्त से बात करती है जो उसे यंग नाम के झूठ के बारे में बताता है। यंग नाम की फैमिली सेलिब्रेट कर रही होती है तभी एक कार बाहर से क्रैश करती है और एक गैस टैंक को उड़ते हुए खिड़की से अंदर भेजती है। सब लोग डर कर बाहर आते हैं और उन्हें उस टॉक्सिक गैस के बारे में पता चल जाता है जो फैल रही है। यूजू उन्हें जल्दी अंदर ले आती है पर यंग नाम कुछ और देर अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहां रहता है जो अपनी कार को ढूंढने गई है। जंग उन गैस के साथ में ही पहुंचती है और वो एकदम से टॉक्सिन ब्रीथ करने लगती है तो यंग नाम रिस्क उठाते ही उसकी मदद करता है। इससे पहले कि वो इतने टॉक्सिन इनहेल करके मर जाए वो उसे अंदर लेके आता है लेकिन उसके फेस पर रैशेस आ जाते हैं। अब यंग नाम और यूजू खिड़की से बाहर शहर की हालत देखते हैं और गैस को बढ़ता हुआ नोटिस करते हैं इसलिए वो फैमिली को छत की तरफ भागने को बोलते हैं। यंग नाम के पिता जेंगसू अभी भी इस हालत की गंभीरता को नहीं समझ रहे और वो जाना चाहते हैं पर थैंकफुली उसी मोमेंट पे सबको अपने फोन पे इमरजेंसी मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उनको हाईएस्ट अवेलेबल पॉइंट्स पे जाके रेस्क्यू होने का इंतजार करना चाहिए। अब ग्रुप ऊपर की तरफ भागने लगता है पर पता चलता है कि छत के लिए जो दरवाजा है वो लॉक्ड है। मैनेजर ग्यू के पास चाबी है और इसलिए चाबी देखने के लिए यूजू उसको और कुछ फैमिली मेंबर्स को नीचे के फ्लोर पे लेके जाती है जहां अभी तक गैस नहीं पहुंची है। अब टीवी ऑन है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रिकॉशन लेना सिखा रहा है और ये नई टॉक्सिक मिस्ट को ब्रीथ करने से रोकने के लिए गैस मास्क लगाना बता रहा है पर वो गैस मास्क सिर्फ 10-15 मिनट के लिए अच्छे हैं और बॉडी को जितना ज्यादा हो सके कवर करना जरूरी है ताकि रैशेस और ब्लिस्टर भी ना हो। हेलीकॉप्टर हर तरफ लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और सिटीजन उन्हें इतने मैसेज से परेशान कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो तभी रेस्क्यू होंगे जब रास्ते में कोई हेलीकॉप्टर उन्हें स्पॉट करेगा ना कि कॉल करने से। तभी यूजो को याद आता है कि कुछ टाइम पहले ही होटल ने 3 गैस मास्क लिए थे पर उससे वो मिलते नहीं क्योंकि मैनेजर ग्यू ने अनाउंसमेंट सुनते ही उसको खुद के लिए छुपा लिया था। वो उन्हें तभी निकालता है जब यूजो कोई और रास्ता निकालने के लिए जाती है। चाबी ढूंढने के लिए वो खुद की जगह और इजो की जगह कोशिश करता है कि किसी एक फैमिली मेंबर को नीचे खतरे से भरे कमरे में भेजने की पर और कोई भी ये नहीं करना चाहता। ये सुनने के बाद कि छत का दरवाजा बाहर से खोला जा सकता है यंग नाम को एक आइडिया आता है। वो खिड़की पे चीजें फेंकने लग जाता है जब तक वो टूट नहीं जाती। फिर वो इजो से रस्सी मांगता है ताकि वो बिल्डिंग पे क्लाइंब कर सके और दरवाजे तक पहुंचे। इजो उसे रस्सी के साथ में हुक और हाथों के लिए चौक देती है। यंग नाम अपनी फैमिली की ये ना करने की रिपीटेड रिक्वेस्ट को इग्नोर करता है और साथ की बिल्डिंग की छत पे जंप करता है। वो रेलिंग पे पहुंच के स्लिप होता है पर लकीली वो उस पे जल्दी पकड़ बना लेता है और वापस क्लाइंब करता है। क्लाउड गार्डन बिल्डिंग को पकड़ने के बाद और अच्छे ग्रिपिंग पॉइंट्स को देखने के बाद यंग नाम रस्सी को जिस छत पे है वो वहां से बांध देता है और वापस क्लाउड गार्डन में जंप करता है खुद को अलग अलग नब्स और दीवार के डेकोरेशन पे पकड़ते हुए। तभी उसका एक रिलेटिव उसे रिकॉर्ड करता है ताकि उसकी सारी फैमिली उसे अपने फोन में देख सके। एक नब से दूसरे पे डेंजरसली क्लाइंब करने के बाद और बिल्डिंग की दीवार पे वापस अपना रास्ता बनाने के बाद उसे पता चलता है कि वो आखिरी सेक्शन है।
वो रिस्क उठाता है और उसे अनहुक करता है, जिसका मतलब है उसे अब नीचे गिरने से कुछ भी नहीं बचा सकता। यंगनाम ऊपर जाना कंटिन्यू रखता है और जैसे उसे उसके कॉलेज की ट्रेनिंग याद आती है, वो एक हजार्डस जंप मारता है। अब वो लॉयन के स्टैचू का एक हेड पकड़ता है, स्टैचू का एक फैंग टूट जाता है, पर यंगनाम किसी तरह दूसरे को पकड़ के रखता है और रूप तक पहुंच जाता है। अब बिना जरा भी टाइम को वेस्ट करे वो जल्दी भाग के दरवाजा खोलता है और अपनी फैमिली को बहाने देता है। उसकी माँ को टेंशन होती है कि उसको कहीं चोट तो नहीं लगी और उसके पिता उसे खुद को खतरे में डालने के लिए गुस्सा करते हैं। एक हेलीकॉप्टर पास में उड़ता है और वो सब उसकी अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं, पर हेलीकॉप्टर को वो नहीं दिखते, इसलिए यूजो डिसाइड करती है कि अपने फोन के साथ कुछ करेंगे। यूजो फैमिली से एच बनवाती है और सबके फोन की स्क्रीन को टैप करके SOS सिग्नल भेजती है, इस उम्मीद के साथ कि अगले हेलीकॉप्टर को उनकी फ्लैश करती हुई लाइट दिखेंगी। दूसरी तरफ न्यूज में गैस लीक करने वाले आदमी की स्टोरी रिवील हो रही है। ट्रक ड्राइव करने वाला एक साइंटिस्ट और एक लैब का कोफाउंडर है, जो अपनी खुद की कंपनी के एग्जीक्यूटिव से फायर होने के बाद अपना आपा खो चुका है। गैस इनक्रेडिबल स्पीड से फैल सकती है और उसकी कम क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। यंगनाम की फैमिली अपने फोन की लाइट शो को जारी रखती है, पर ये काम नहीं कर रहा, इसलिए उसके दो कजन्स माइक्रोफोन और स्पीकर लेके आते हैं ये देखने के लिए कि वो ऑडिबल है या नहीं। यूजो क्लाउड गार्डन की स्ट्रीट साइन को फ्लिकर कर रही है, जिस कारण फाइनली एक हेलीकॉप्टर की अटेंशन उस पे आती है। रेस्क्यूअर सारी फैमिली को अंदर आने देते हैं, बस एक इंसान को छोड़ के, क्योंकि वेट की लिमिट पूरी हो गई है। अब क्योंकि यूजो अकेली वहां रुकी है तो यंगनाम उसके साथ रुकने का फैसला करता है और वो दोनों साथ में हेलीकॉप्टर को दूर उड़ते हुए देखते हैं, जिसे देखकर उन्हें रोना जाता है। और बाद में यंगनाम यूजो से वादा करता है कि वो ये सब कुछ खत्म होने के बाद एक अच्छी नौकरी जरूर करेगा। अब वो दोनों अलग अलग हेलीकॉप्टर्स की अटेंशन पाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उनकी तरफ कोई नहीं आता। उनकी बिल्डिंग में बढ़ती हुई गैस को देख के वो उस जगह से जाने की सोचते हैं। बाहर स्ट्रीट में जाके मदद मांगने से पहले वो दोनों मास्क लगा लेते हैं जो मैनेजर ग्यू ने चुराए थे और अपनी सारी बॉडी को प्लास्टिक बैग्स और ग्लव्स से कवर कर लेते हैं। फिर वो जितनी हो सके उतनी चौक और रस्सी अपने बैग में भरते हैं, लेकिन वहाँ स्ट्रीट में कोई नहीं है और उनके मास्क का लाइफ स्पैन भी खत्म होने वाला है, इसीलिए वो एक रैंडम बिल्डिंग में एंटर करते हैं और उसकी छत तक पहुँचते हैं। फिर ये डिस्कवर करते हैं कि गैस भी पहुँच चुकी है। यंगनाम अपना मास्क उस आखिरी मास्क के साथ बदलता है जो उनके पास है और यूजो के लिए एक नया मास्क लेने के लिए नीचे सबवे स्टेशन में जाता है। अब खतरा मोड लेके यूजो अपने ग्लव्स उतार के काफी सावधानी से ऊंची जगह पे क्लाइंब करके पहुंचती है। पहले वो यंगनाम पे गुस्सा होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसको छोड़कर चला गया, पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो उसका ख्याल कर रहा था तो उसको माफ कर देती है। वो दोनों वापस स्ट्रीट में लौटकर एक मल्टी फ्लोर बिल्डिंग में एंटर होते हैं जहां अभी तक गैस नहीं पहुंची है। अब वो दोनों आराम से मास्क, प्लास्टिक बैग, सूट और ग्लव्स उतार सकते हैं, लेकिन ऊपर के फ्लोर्स के लिए दरवाजे बंद हैं तो उन्हें साथ की बिल्डिंग की छत पे पहुंचना होगा और वो अभी तक जिन बिल्डिंग को जंप कर रहे थे वो उससे काफी दूर है। वो उन जिम से कुछ वेट लेते हैं और गैप्स के अक्रॉस रोप बांधते हैं जिससे वो स्ट्रेट और टेंस रहे और उनकी क्लाइंबिंग इजी और सेफ रहे। यूजो पहले जाती है क्योंकि वो हल्की है और वो सक्सेसफुली दूसरी तरफ पहुंच जाती है, लेकिन जब यंगनाम की बारी आती है तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। गैस भी छत पे पहुंचने लगती है क्योंकि वो वेंटिलेशन सिस्टम में घुस गई है, तो यंगनाम मास्क और ज्यादा रस्सी लेने के लिए वापस जाता है और वो ज्यादा वेट के साथ फेंकता है जिससे वो तेजी से क्रॉस करे। उतनी देर में ये डिस्कवर होता है कि पानी उस मिस्ट को डिसॉल्व कर लेता है और फायरमैन इस काम में लग चुके हैं, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब जेंगसू और दो रिलेटिव्स टैक्सी को एक्स्ट्रा पैसे देकर डिजास्टर वाली जगह के पास जाते हैं ताकि वो यंगनाम को ढूंढने की कोशिश कर सकें। वहां उन्हें दो लोग न्यूज स्टेशन के लिए काम करते हुए मिलते हैं जो कि ड्रोन की मदद से डेंजरस एरिया में घुस के कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ रहे हैं जो वो स्ट्रीम कर सकें। जेंगसू उन्हें उस ड्रोन की मदद से उसके बेटे को ढूंढने के पैसे देता है। यंगनाम और यूजो नई बिल्डिंग्स की छत पे पहुंचते हैं जहां ट्रेजेडी होने से पहले एक मार्केट चल रही थी। वहां लोगों के काफी कार्डबोर्ड कटआउट्स हैं जिन्हें वो इकट्ठा करते हैं ताकि वो ये दिखा सके कि वहां पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं रेस्क्यू होने के लिए, और वो फिर से अपने फोन की लाइट से हेलीकॉप्टर की अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं। अब एकदम से उन्हें चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो रियलाइज करते हैं कि स्ट्रीट के अक्रॉस एक बिल्डिंग में कुछ बच्चे क्लासरूम में बंद हैं। यूजो उन्हें इशारे में फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना समझाती है, पर एक बच्चा कोशिश करते हुए ऑलमोस्ट मर ही जाता है। फिर एक हेलीकॉप्टर वहां आता है और मदद के लिए पास आने लगता है, पर यंगनाम और यूजो को पता है कि उन्हें वही करना है जो सही है और वो बच्चों की तरफ इशारा करते हैं। रेस्क्यूअर्स को आइडिया नहीं लगता कि वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उनको क्लियर करने के लिए वो दोनों कार्डबोर्ड कटआउट्स और अपनी बॉडीज का इस्तेमाल करके फ्लोर पे एरो बनाते हैं जो अपोजिट बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करता है। हेलीकॉप्टर को मैसेज मिल जाता है और उनकी जगह बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं, और अब यंगनाम और यूजो अकेले हेलीकॉप्टर का इंतजार करने को तैयार हो जाते हैं। पर ये आइडिया जल्दी डिस्कार्ड हो जाता है जब वो कुछ दूर पे गैस स्टेशन को ब्लो अप होते देखते हैं जो उनकी तरफ टॉक्सिक मिस्ट की वेव्स को भेजता है। यूजो एक टावर क्रेन की तरफ इशारा करती है जो कुछ ब्लॉक्स दूर है, और ये फैसला करते हुए कि ये उनकी सेफेस्ट बेट है, वो फिर से बिल्डिंग छोड़ देते हैं।
वो पेयर पूरी सिटी में पार्कोरिंग करता है और जेंगसु ने जिस ड्रोन को पैसे दिए थे उन्हें ढूंढ के वो उनका पीछा करता है और इस दौरान उनके बच के निकलने को भी रिकॉर्ड करता है। न्यूज स्टेशन उन्हें टीवी में लगा देता है और अब देश में सब लोग उनकी सेफ्टी चाहते हैं और उनकी प्रोग्रेस देख के उनके लिए चीयर कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग साइन का इस्तेमाल करने के बाद वो बिल्डिंग क्लाइम करते हैं। यंग नाम और युजो छत तक पहुंच जाते हैं पर उससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो बाकी बिल्डिंग से काफी दूर है जहां जंप करके नहीं पहुंचा जा सकता और उसी टाइम जो ड्रोन उनका पीछा कर रहा है उसकी बैटरी खत्म हो जाती है और वो गिर जाता है। अब ये सोच के कि उनका एंड हो गया है वो रोना शुरू कर देते हैं और यंग नाम युजो से झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है और वो हक करते हैं। उनका ये छोटा सा मूवमेंट एक बजिंग साउंड और लाइट से इंटरप्ट हो जाता है। बहुत सारे ड्रोन अलग अलग सिटीजन द्वारा भेजे जाते हैं जो उनकी मदद करना चाहते हैं और उनके एडवेंचर को स्ट्रीम करना चाहते हैं। यंग नाम को एक आइडिया आता है और वो उस फ्लोर पे चौक के साथ ड्रॉ करता है ताकि ड्रोन देख सके। ड्रोन कुछ रस्सी लेता है और काफी बार फेल होने के बाद उसे अपोजिट बिल्डिंग के पाइप से बांध देता है ताकि अब यंग नाम और युजो उसके थ्रो स्लाइड कर सके। सैडली उनके वजन के कारण वो दूसरी तरफ नहीं पहुंचते और वो बीच में ही रस्सी में फंस जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, उनके वजन के कारण रस्सी पाइप से स्लाइड होने लगती है तो युजो यंग नाम के बैग से कुछ पिलर्स लेती है और रस्सी काट देती है इस उम्मीद के साथ कि वो दोनों टार्जन की तरह दूसरी बिल्डिंग की तरफ स्विंग कर लेंगे। लेकिन उसी मूवमेंट पे रस्सी पाइप से लूज हो जाती है और वो गिर जाते हैं। सब लोग जो स्ट्रीम देख रहे थे वो एकदम से सोचते हैं कि वो मर गए। अब हेलीकॉप्टर जाने से पहले एक राउंड मार रहा होता है, बाय चांस कोई रह गया हो तो उसको बचा लें। तभी वो देखते हैं कि यंग नाम और युजो किसी तरह क्रेन तक पहुंच गए हैं तो वो जल्दी से उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर जब वो सेफ्टी एरिया में आ जाते हैं यंग नाम बहुत आंसुओं के साथ अपनी फैमिली से रियूनाइट करता है और युजो अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताती है कि वो ठीक है। फिर मैनेजर ग्यू उसे देखने आता है और उसे उसके पेट नेम से बुलाता है जिससे वो सख्त नफरत करती है तो वो उसको मारती है। उसके बाद यंग नाम उससे हुक वापस देने की कोशिश करती है जो उसने उसे दिया था पर वो उसे बोलती है कि वो उसे नेक्स्ट टाइम मिलके रिटर्न करे और ये दोनों फ्यूचर में मिलके एक साथ हैंग आउट करने की सोचते हैं और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और बारिश एंजॉय करते हैं जो एकदम से होती है। इससे सारी टॉक्सिक गैस क्लियर हो जाती है और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।